जब से हम लोग आईपीएस डिपार्टमेंट पे आए हैं तब से हम लोगों को पता लग रहा है कि वो लोग कितना स्ट्रगल करते हैं भाई, और तुम लोग उनकी कदर नहीं करते। ये देखो कुछ भी बोल लो, तेरे पास दबा रही हो ड्राइवरी कर दे। ओ बापे सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? बहुत से बंदे बोलते हैं कि आजकल आप लोग भाई प्लेटिनम नहीं चला रहे हो। भाई हम लोग चलाते हैं बट दिखाते नहीं है। पहले खाद को घर पहुंचा लेते हैं फिर मिलते हैं तुम लोगों को। फिलहाल अभी हम लोगों ने अपनी बाइक को अंदर लगा दिया है और आज हम लोग जाएंगे बुलेट पे, क्योंकि यार इन्नू बोल रहा है कि इसको बुलेट पे जाना है। मैं क्या, चल बुलेट पे चलते हैं। आज का ब्लॉग आपको बुलेट पे देखने को मिलेगा। मेरे को बोल रहा बुलेट हैवी गाड़ी है, तेरे से नहीं संभलेगी। गाइस इनको कौन बताए कि रुद्रा पावरफुल गाड़ी है, जब हम उसको संभाल सकते हैं तो भाई बुलेट क्या चीज़ है। बड़े टाइम के बाद मैं बुलेट चला रहा हूँ, मेरे को काफ़ी अजीब सा लगता है। फाइनली गाइस अभी हम लोग हाईवे पे निकल चुके हैं और आज हम लोग जा रहे हैं नैना माता की साइड। तो काफ़ी टाइम से हम दोनों का प्लान बन रहा था बट फाइनली आज हम लोग निकल ही पड़े हैं। और मेरे को लग रहा है आज मौसम फिर से ख़राब हो रखा है। ये देखो सामने बादल, काले काले बादल आ रखे हैं सामने पहाड़ की साइड से। जय श्री राम। आज हम लोग पहली बार बुलेट पे इस वाले ट्रैक पे आ रखे हैं, तो चलो इसको थोड़ा सा पकाते हैं और देखते हैं इसकी पावर। जब हम लोग बाइक पे 80 या 90 की स्पीड होते हैं ना तो हम लोगों को बड़ी ज़्यादा स्पीड लगती है, और बुलेट पे मेरे पास लगा जैसे नॉर्मली चला है। वो है बुलेट पर सिर्फ बुलेट इन्नू, मेरे को पकड़ भाई मेरे को। भाई बंदे ने हमें ओवरटेक किया, हम लोगों को कंटेंट मिल गया। क्लासिक है भाई, क्लासिक वर्सेस स्टैंडर्ड। तो चलो रेस लगाते हैं भाई, भी मेरे को लगता है फुल मूड में। इन्नू फोन डाल दे, तो रहने देना तेरे को क्या है भाई को, ओवरटेक करेंगे अब हम लोग। कंटेंट खुद चल के आज हमारे पास आया पहली बार। ओ भाई ब्रेक लगी है नहीं, मतलब नीचे ला भाई, मैंने थोड़ा सा लीन किया और ये भाई इसका स्टैंड ही नीचे लग गया। ब्रेक लगी था वो, लगा तेरा स्टैंड नहीं। ओए तुम थोड़ा सा लीन किया था बस, क्या लगा अरे ब्रेक लगी रही। ए देख ब्रेक लगी रही। आप यार पहले जया कर लेते हैं कुछ। ये जो मंदिर पीछे आप लोगों ने देखा, ये हमारा सिद्ध बाबा का मंदिर है। मौसम इस साइड यार ठंडा हो रहा है, लैंडस्लाइड देखो बाबे, पूरा पहाड़ ही बैठ गया यार। इन्नू बोल रहा है यहाँ से मेरे को उतार दे, बट मैं नहीं उतारूंगा। यहाँ से अपना ऑफ रोड स्टार्ट होता है गाइस। इन्नू ज्यादा ही लियो मत। कौन सा है पुलिस वाला था? पुलिस वाला अंकल देख रहा था गांडे क्या कर रहे हैं अंकल। इस साइड तो रोड की बुरी हालत कर दी यार। आ जा देख, गाड़ी वाले भाई थोड़ी सी भी ब्रेक नहीं लगाते आजकल। अभी पीछे जब मेरा कैमरा ऑफ था उस टाइम भी बंदे ने इतना खतरनाक ओवरटेक भरा ना, मतलब क्या बोलूँ यार, पागल हो गए गाड़ी वाले। मेरे को तो ऐसा लगता है बाइकर्स की कोई वैल्यू नहीं बची है आजकल। मैं जिस गाड़ी वाले को देखता हूँ भाई ऐसे ओवरटेक भरते हैं, और सबसे गंदी आदत जो मेरे को लगती है इनकी, रॉन्ग साइड से ओवरटेक भरना। भाई तुम लोग तो बच जाओगे बट अगर कोई बाइकर यार थोड़ी सी स्पीड में भी चला होगा तो सोचो वो कहाँ पे जाके गिरेगा।
ये बोल रहा बुलेट से टकराओगे चूर चूर हो जाओगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है भाई, जब बाइक से गिरते हैं ना तो कुछ भी नहीं बचता बाबे, इसलिए यार थोड़ा सा इनको समझना चाहिए, गलत बात है यार। अगर तुम लोग रोड पे चल रहे हो निकल रहे हो तो यार कम से कम थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझ के चलो, और हमेशा बाइकर्स को गलत बोला जाता है, तुम लोग रोड देखो बाबे नाक बन रहा है। राम 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 राम। मेरे को तो बुलेट पे ये वाला फील आ रहा है आज। इसको 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 ओवरटेक करेंगे, ये कैसी मशीन है पहली बार देख रहा हूँ मैं तो। वो रोड खुला भी की बंद ही तो नहीं है, देख रहे हो? हाय 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 हाय। आते टाइम बारिश नहीं होनी चाहिए, सीन हो जाएगा। अभी हम लोगों को उन तीन टावर्स के पास जाना है, बहुत हाइट है यार मैडम माता जी। इस पूरे रोड का काम लगा हुआ है आजकल, ठीक है 4 लेन बन जाएगा, 2 लेन बन जाएगा, फिर तो मज़ा आ जाएगा। जिसका डर था वही बात हो गई। तो गाइस यार अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो गई है। जब भी हम लोग कहीं पे जाने की प्लानिंग करते हैं उस टाइम हमेशा भगवान जी कुछ ज़्यादा खुश हो जाते हैं हमसे, और खुली बारिश करेंगे आज भी देखना, ना हम आगे जाने के लिए बचेंगे ना पीछे आने के लिए। अभी हम लोग यहाँ पे बिल्कुल हरिवालसर झील के ऊपर खड़े हुए हैं, मतलब ऊपर वाले रोड पे, तो ये सीधा रोड जाता है नैना देवी के लिए। तो मैंने सोचा यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और तुम सभी लोगों को हरिवालसर दिखाते हैं। तो नीचे देखो यार, तो कभी भी बारिश पड़ सकती है ख़तरनाक वाली, और हम लोग ना आगे निकल पाएंगे ना पीछे जा पाएंगे। और ये देखो बाइक की हालत, पूरा साइलेंसर ब्रेक सब कुछ जो है वो मिट्टी मिट्टी हो रखा है। तूने चलाना अब? नो। और एक और चीज़ यार, मेरे को इंस्टाग्राम पे सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई आपने शेव क्यों कर ली, और आप जो वो मतलब दाढ़ी के साथ अच्छे लगते हो, तो जो आप लोग सभी लोगों की गलत फहमी है। मैंने बड़े टाइम से क्लीन शेव नहीं की थी, तो मैंने सोचा यार क्यों ना पिछले कल कर ही लेते हैं, और मतलब ठीक है 2-4 दिन में आ जाएगी, बाकी ब्लॉग में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा बट एडजस्ट कर लेना, मैं ट्राइबल ही हूँ पहचान लो मेरे को, आदिवासी मुच्छे के साथ अजीब से लग रहा है। नहीं भी रख दिया है। नहीं मुच्छे भी कटा दूं तो गाइस कमेंट करके बताना, अगर तुम लोग बोल लेगे तो इनको भी उड़ा देंगे गाइस, जैसे पुरानी फिल्मों में होते नहीं थे वो क्या गुलशन ग्रोवर अमिताभ बच्चन भाई वैसा लग रहा हूं, राजेश खन्ना जिज्जू बोलते, राजेश कुमार दिलीप क्या रहा, दिलीप नहीं जिज्जू बोलते मेरे को, पता है राजेंद्र की समथिंग। तो चलो ठीक है यार, 1-2 दिन में आ जाएगी फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ, बाकी चलो चलते हैं। अमरीश पुरी है बारिश मौसम देखो तुम लोग, चलो निकलते हैं जल्दी जल्दी। अभी उधर देखो धूप, सामने पहाड़ के जो परली साइड है उस साइड धूप है, और यहाँ पे देखो पूरा बादल है। चल चलिए चलता गाइस, जब जब हम लोग नैना माता के मंदिर आते हैं ना माता कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है मेरे को लगता है, और आज भी काफ़ी ख़तरनाक बारिश हुई है, और इससे पिछले व्लॉग में भी पहले तुम लोगों ने देखा होगा हम लोग आए थे यहाँ पे तो उस टाइम भी काफ़ी ख़तरनाक बारिश हुई थी। तो ये जो नीचे है ये पूरा का पूरा रिवालसर है, काफ़ी ख़तरनाक व्यू है, बट अभी थोड़ी देर के बाद ये फॉग हट जाएगी फिर तुम लोगों को दिखाते हैं। इस साइड आज मैं फर्स्ट टाइम आ रखा हूँ, एक तो मैं टी शर्ट में आ गया यार, और बारिश देखो अराउंड हम लोगों को यहाँ पे आधा घंटा हो गया और अभी तक बारिश बढ़ रही है, उल्टा कम नहीं हो रही है। कुछ बाढ़ है तो उनको खींचना है, उनको सुन पिछली सीट पर बैठ यार प्लीज, तब बैठ यार बैठ यार, समझ कर तू सग गिरता आया देखो पूरे ढंग ने तारा इतने क्या बड़ा मेरा तेरे पास दबा रही ड्राइवरी कर दे, वो बाबे पूरियां बज व्यू चेक आउट करो गाइस। अभी वो जो सामने तुम लोगों को तीन टावर दिख रहे हैं हम लोग वहां पे जाएंगे।
लोग देख सकते हो कितनी मोटी मोटी पाइप लाइन डली हुई है सिर्फ पानी के लिए। जब से हम लोग आईपीएस डिपार्टमेंट पे आए हैं तब से हम लोगों को पता लग रहा है कि वो लोग कितना स्ट्रगल करते हैं भाई, और तुम लोग उनकी कदर नहीं करते हो। तुम लोगों ने हमारा नाइट आउट वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा तो उसको चेक आउट कर लेना। जो हम लोगों ने उस दिन नाइट स्टे किया था वो वहाँ पे किया था, वहाँ पे सामने। बारिश फिर से स्टार्ट होगी यार, बाबे खींचे थोड़ी थोड़ी। तो भाई अभी हम लोग यार माता के दर्शन करके आ चुके हैं, तो जैसे ही अभी हम लोग घर के लिए निकले और बारिश भी हमारे साथ साथ फिर से आ गई है तो ठंड लग रही है भयंकर वाली। और अराउंड मेरे GoPro में बैटरी 5 या 6% ही बची होगी तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। ऐसे मौसम में पहाड़ों में आना काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक रहता है, जैसे कि मैंने तुमको पहले भी बोला, और तुमको इसका डेमो भी दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से पूरा का पूरा रोड नीचे जा चुका है, तो यहाँ पे तो भाई खड़ना भी इतना रिस्की है ना, पूरा का पूरा रोड खोखला हो गया अंदर तक। गाइस सामने व्यू चेकआउट करो यार। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पटड़ी घाट के पास पहुँच चुके हैं और फिर से बारिश लग चुकी है, तो यहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक व्यू था तो मैंने सोचा यार तुमको चेकआउट करवा देते हैं। ये देखो यार पूरा धुंध धुंध पड़ रखी है, ऐसा लग रहा है बादल नीचे हैं, हम लोग बादलों के ऊपर चल रहे हैं। तो फाइनली अभी हम लोग घर पर पहुँच चुके हैं। हालत देखो बाबे पूरे गीले हो रखे हैं।